राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस बार इतनी कंफ्यूजन है कि महाअष्टमी कब है, महाअष्टमी का व्रत कब रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे नवरात्रों का व्रत नहीं रख पाते हैं। जो 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते वो प्रथम दिन और अष्टमी वाले दिन पूजा अर्चना वंदना करते हैं। अब बड़े सारे लोगों के घर पे अष्टमी का पूजन भी होता है तो वो सप्तमी पर व्रत रखते हैं, उसके बाद पूजन अर्चन वंदन करते हैं। एक बात याद रखो, इस बार जो तिथि घट और बढ़ रही है ऐसे में बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो देखो, बेसिकली मैंने जब पंचांग देखा तो उसके हिसाब से मैं क्या करने वाली हूँ वो बताऊंगी, और आप भी वही फॉलो कर सकते हो। पंचांग के हिसाब से ही हम लोग सारे कार्य करेंगे, उसी में सर्वोत्तम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज छठा नवरात्र है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, माँ कात्यायनी का आज दिन है। वैसे तो आज पांचवा नवरात्र भी बोला जा सकता है तिथि के हिसाब से, लेकिन आज छठा नवरात्र है, ठीक है। अगर आपको सप्तमी का व्रत रखना है, व्रत हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है। अगर आपके घर पे अष्टमी का पूजन होता है और आपको सप्तमी का व्रत रखना है तो कोई भी संदेह नहीं है कि आपको सप्तमी अर्चन वंदन करोगे, वो आप 10 तारीख को भी कर सकते हो और 11 तारीख को भी कर सकते हो। मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी बता दूंगी। लेकिन अगर आप अष्टमी का व्रत रखते हो तो अष्टमी जो है वो आपको 10 तारीख को व्रत रखना पड़ेगा, और 11 तारीख को भी आपको अष्टमी की कंजक भी 11 तारीख को पूजनी है और नवमी की कंजक भी आपको 11 तारीख को पूजनी। देखो, बात ये है कि अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है, अष्टमी तिथि का प्रारंभ वो 10 तारीख को 12 बजे के बाद हो रहा है। लगभग 12 बजे के बाद, जो दोपहर को 12 बजे के बाद अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, उदय मतलब सूर्य उदय के साथ वो तिथि हमें नहीं मिल रही। लेकिन अगर आपको 10 तारीख को कंजक पूजनी है कि भैया मेरे को तो 10 तारीख को ही व्रत की कंजक पूजनी है, दीदी मैं क्या करूं, तो अगर आपको 10 तारीख को व्रत की कंजक पूजनी है तो कुछ आप इस विधान का फॉलो कर सकते हो कि आपको 12 बजे के बाद कंजक पूजो। लेकिन बेसिकली मैं क्या करूंगी, मैं अगर हमारे यहाँ पे अष्टमी जो होती है उसकी कंजक मैं नौमी वाले दिन पूजूंगी, और वो भी 10:30 बजे से पहले, अर्थात 11 तारीख को मैं 10:30 बजे से पहले किसी भी कीमत पे कंजक पूज दूंगी। और अगर 10:30 बजे से पहले नहीं पूज पाई तो मैं 12:30 बजे के बाद पूजूंगी, क्योंकि 12:30 बजे के बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो रही है और इस बीच में ना राहु काल भी लग रहा है। याद रखिए, राहु काल में कोई भी कार्य नहीं होता। अब सप्तमी तिथि का व्रत कब है? 10 तारीख को सप्तमी तिथि का व्रत रखिए, अष्टमी तिथि का व्रत रखिए, और 10 तारीख को ही अष्टमी तिथि का व्रत आप लोग रखिए। और अष्टमी तिथि की जो कंजक अगर आप पूजना चाहते हो, या तो वो 10 तारीख को 12 बजे के बाद पूजिए, और सर्वोत्तम आपका तभी रहेगा कि आप 11 तारीख को 10:30 बजे से पहले पूजन अर्चन वंदन कर लें। 11 तारीख को आप नौमी का भी पूजन कर सकते हैं, 11 तारीख को आप अष्टमी तिथि का भी पूजन करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरी नौमी तिथि हमें पूरी डेफिनेटली मिले और नौमी तिथि उदय तिथि के अनुसार मिले, तो आपको नौमी तिथि 12 तारीख को मिलेगी, और वो भी 12 बजे से पहले ही मिलेगी, अर्थात 12 बजे से पहले भी आप कन्या पूजन कर सकते हो। उसके बाद 12 बजे के बाद आप दशहरे का पूजन अर्चन वंदन करोगे। आप कहोगे दीदी दशहरा तो उदय तिथि के अनुसार हमको मिल नहीं रहा है। राइट, दशहरा हमको उदय तिथि के अनुसार नहीं होता, लेकिन दशहरे की जो भी पूजन अर्चन वंदन होता है उसमें रात का विशेष महत्व होता है, इसलिए दशहरा जो है वो 12 तारीख को ही मनाया जाएगा। निसंदेह कोई भी संदेह नहीं है कि दोपहर को 12 बजे से दशहरा प्रारंभ होगा, इसलिए 12 बजे के बाद दशहरे की पूजा होगी। 12 बजे से पहले आप नौमी की पूजा करके अपने चौकी को विसर्जित इत्यादि कर सकते हो। अब बेसिकली बात इस पे आती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पूरा बता देती हूँ। मैं पूरे 11 तारीख को सुबह सुबह या तो 10:30 बजे से पहले कंजक को खिलाऊंगी, या फिर 12:30 बजे के बाद कंजक खिलाऊंगी। या तो 10:30 बजे से पहले मैं कंजक खिलाऊंगी, या 12:30 बजे के बाद ही मैं कंजक खिलाऊंगी, और मैं कंजक 11 तारीख को ही खिलाऊंगी। 12 तारीख को मैं सुबह सुबह पूजा अर्चना वंदना करके अपनी जो चौकी है उसको हटा दूंगी, और 12 बजे के बाद मैं दशहरे की पूजा अर्चना वंदना करूंगी। मेरे यहाँ पे महाअष्टमी बनाई जाती है, मेरे ससुराल में महाअष्टमी बनाई जाती है, लेकिन व्रत हम पूरे 9 दिन का रखते हैं, और अष्टमी और नौमी दोनों तिथि हम बनाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में 9 रात्रि का होना बहुत जरूरी, मतलब 9 दिन और 9 रात आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अष्टमी तिथि भी हम नौमी वाले दिन ही पूजेंगे, और अगर कोशिश करेंगे कि 10:30 बजे से पहले पूज दे, क्योंकि 10:30 बजे के बाद से लेकर 12:08 तक 11 तारीख को राहु काल है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन अगर इन कुछ भी बाय चांस हो गया, खाना बनने में डिले हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी चीज हो गई, तो हम 12 बजे के बाद भी कर सकते हैं।
कोई भी परेशानी नहीं है। मतलब 11 तारीख को 12 बजे से पहले आपको अष्टमी तिथि मिल रही है, जिसमें आप पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, लेकिन राहु काल है इसलिए 2 घंटे पहले ही वो पूजा अर्चना वंदना निपटा लीजिए 10-10:30 बजे तक। 12 बजे के बाद आपको नौमी तिथि मिल रही है, जिसमें आप पूरे दिन कंजक इत्यादि पूजन कर सकते हो। चौकी आपकी 12 तारीख को ही हटेगी, और चौकी आपकी 12 तारीख को ही हटानी है। माता रानी का विसर्जन जो आपको करना है वो 12 तारीख को ही करना है। दशहरे की जो पूजा अर्चना वंदना आपको करनी है वो 12 तारीख को करनी है। तो अष्टमी तिथि का व्रत आपको 10 तारीख का रखना है, सप्तमी तिथि का व्रत भी आपको 10 तारीख का रखना है। 10 तारीख को ही आप सप्तमी तिथि बनाइए, 10 तारीख को ही अष्टमी बनाइए। वैसे शास्त्रों में वर्णन ये आया है कि सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन पड़ रही है, इस वजह से ये कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन सप्तमी और अष्टमी जब एक दिन पड़ती है ना, तो याद रखिए वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। इसलिए हम सप्तमी और अष्टमी एक दिन ना बनाकर अष्टमी और नौमी एक दिन बनाएंगे। हम सप्तमी और अष्टमी एक दिन ना बना के, मतलब सप्तमी और अष्टमी हम 10 तारीख को ना बनाकर 11 तारीख को ही हम अष्टमी और नौमी एक दिन बनाएंगे, ताकि ये देश दुनिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। वैसे भी माता रानी इस बार जो माता रानी की सवारी है वो पालकी है, डोली भी जिसको कहते हैं। जब भी माता रानी की सवारी पालकी और डोली होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो महामारी लेकर आती है। वो देश और दुनिया के लिए कोई भी, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को वायरल फीवर हो गया, ये सारी बीमारियां इत्यादि लेकर आती है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि 12 तारीख को आपको दशहरे की भी पूजा करनी है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि क्योंकि दशहरे की पूजा में कच्चा खाना बनता है और नवरात्रि की पूजा में पक्का खाना बनता है। दशहरे की पूजा में रोटी सब्जी इत्यादि बनती है, और नवरात्रि की जो पूजा होती है उसमें हमको पूरी छोले हलवा ये सब चीजें बनानी होती है। 12 बजे के बाद आप दशहरे की पूजा अवश्य कीजिए, क्योंकि दशहरे की पूजा करने से आप दीर्घ आयु होते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि दशहरे की पूजा अर्चना वंदना आपको कैसी करनी चाहिए। मेरी बेटी बोतल लेके आई है, उसकी बोतल खोल देती है, उसको प्यास लगी होगी। तो दशहरे की पूजा अर्चना वंदना कैसी करनी चाहिए वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अगर आप अष्टमी कर रहे हो तो 10 तारीख का व्रत रखिए, अष्टमी कर रहे हो तो अष्टमी का व्रत भी 10 तारीख को ही रखिए, ठीक है। अगर आप पूरे नवरात्र रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। कन्या आप 11 तारीख को पूजोगे तो बहुत सर्वोत्तम है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि 11 तारीख को हमारा कुछ और प्लान बन रहा है या फिर कुछ, तो आप 10 तारीख को भी कंजक पूज सकते हो अष्टमी तिथि के अनुसार, अगर आपके घर पे अष्टमी पूजी होती है। लेकिन वो 12 बजे के बाद ही पूजनी, याद रखिए दोपहर के बाद। कोई भी तिथि जो इस टाइम पे, ये तिथियां चल रही है ना, ये जो तिथियां इस टाइम पे चल रही है, इस तिथि में ना एक बात याद रखो, 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद तिथि चेंज होती है। जैसे कि सप्तमी तिथि दोपहर के 12 बजे के बाद चेंज हो रही है, अष्टमी तिथि दोपहर के 12 बजे के बाद चेंज हो रही है, नौमी तिथि दोपहर के 12 बजे। कोई भी कंफ्यूजन मत रखो, 10 तारीख को सप्तमी का व्रत रखो, 10 तारीख को ही अगर आप अष्टमी आपके घर पे पूजे तो उसका व्रत रखो, 11 तारीख को अष्टमी की कंजक भी पूजो, 11 तारीख को नौमी की कंजक भी पूजो। थोड़ा सा टाइम डिफरेंस ले लीजिए कि अष्टमी की कंजक अगर हमें पूजनी है तो हम 10:30 बजे से पहले पूज लें, नौमी की कंजक अगर हमें पूजनी है तो हम 12:30 बजे के बाद पूज लें, बात खत्म, ठीक है। या फिर नौमी की कंजक आप अगले दिन दसवीं तिथि पे भी, अगले दिन 12 तारीख को सुबह सुबह भी पूज सकते हो, क्योंकि 12 बजे से पहले नौमी तिथि ही है। अब जैसा भगवान है ना, देखो लोग कहते हैं यार बड़ी कंफ्यूजन है, पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, भगवान आपकी तरह फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। भगवान ने आपको 2-3 दिन का मौका मिला है, आप चाहो तो 10 तारीख को पूजो, आप चाहो तो 11 तारीख को पूजो, आप चाहो तो 12 तारीख को पूजो। भैया जब तुम्हारे पास समय हो तब पूजा कर लो। तो ये हमारा एक शुभ मौका है और इसको हमें बिल्कुल कैप्चर करना चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं कि आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा किस फील्ड में, बिजनेस करेगा जॉब करेगा किस फील्ड में, जॉब करेगा आपका हस्बैंड किस फील्ड में जॉब करे, उनका करियर क्या होना चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखना कुंडली देखना फ्री नहीं है। आपके हस्बैंड को किस चीज में सफलता मिलेगी, किस फील्ड में जाना चाहिए ताकि वो सक्सेस हो सके, ये सभी जानकारी मैं कुंडली के माध्यम से प्राप्त करती हूँ। कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के चार्जेस हैं। और इस नंबर पर कृपया करके मुझे क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। संतान प्राप्ति का योग कब है, ठीक है ना, शादी का योग कब है, ये सभी जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरी बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे।